कुछ लोगों को कान में खुजली की समस्या होती है, ऐसे में लगातार ईयरबड का उपयोग करते रहते हैं, जो कि इस समस्या का पक्का इलाज तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, साथ ही यह तरीका हानिकारक भी साबित हो सकता है। जी हाँ, ये जानते हैं कि आखिर किन वजहों से कान में खुजली की समस्या होती है और इससे बचने के क्या तरीके होते हैं। जी हाँ, कान में कई कारणों से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इनमें संक्रमित हुई से बनी ईयरबड का उपयोग भी एक कारण हो सकता है। जी हाँ, गले या नाक में हुए किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी आपके कान में इन्फेक्शन फैल सकता है। नहाते समय कान में पानी के जाने के कारण और कान की सफाई का ध्यान ना देने के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। जी हाँ, कान में फंगल इन्फेक्शन होने की सबसे बड़ी वजह होती है आपके सिर में डैंड्रफ का लगातार बने रहना। जी हाँ, सिर का महीन डैंड्रफ आपको कान की खुजली दे सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सिर की सफाई का पूरा ध्यान रखें। कान में फंगल इन्फेक्शन की एक वजह कान की साफ सफाई का ध्यान ना रखना भी हो सकता है, इसलिए नहाते समय कान की ठीक प्रकार से सफाई करें और नहाने के बाद तौलिए से कान भी साफ करें। जी हाँ, कुछ लोगों के कान में खुजली की वजह उनके नाक की इनर मसल्स का टेढ़ा होना भी होता है, क्योंकि नाक के अंदरूनी हिस्से में कार्टिलेज अगर टेढ़ी होती है तो सोते समय कफ गले में जमा होने लगता है। जी हाँ, जब यह प्रक्रिया लगातार कई सालों तक जारी रहती है तो कान की अंदरूनी सतह पर नमी के कारण फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और यही इन्फेक्शन कान में खुजली की वजह बन जाता है। जी हाँ, कान की खुजली का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कान में खुजली किस वजह से हो रही है। हर रोगी की स्थिति अलग होती है, ऐसे में रोगी की जांच करने के बाद डॉक्टर इलाज के बारे में बताते हैं। जी हाँ, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजहों को दूर करके कान की समस्या से निजात पाई जा सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि ईयरबड का बहुत अधिक उपयोग आपके कान को नुकसान पहुँचा सकता है। इससे आपके सुनने की क्षमता कम हो सकती है या आपके कान का आउटर फेज चौड़ा हो सकता है। इससे इन्फेक्शन बढ़ने की आशंका और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन जिन लोगों को नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, उनका इलाज दो तरीकों से किया जा सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ दवाओं के माध्यम से ही ठीक रखा जा सकता है, जबकि कुछ लोगों में माइनर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जी हाँ, तो इनमें से आपको किस वजह से कान में इन्फेक्शन फैल रहा है वो आप पता कीजिए और अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्यूरेन ही आयुर्वेदा से। सुरभि की रिपोर्ट।